नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 150 नंबर की किस्त पेश करेंगे। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने उस दस्तूरी दस्तावेज़ की तफसीलात सुनी थी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अपने मतलूबा नज़रियाती व सियासी अकदार को मुख्तलिफ़ अनासिर के ज़रिए तस्लीम करवाने वाली थी, और हमने उस दस्तावेज़ के अहम तरीन नुकात से आपको आगाह किया था और उसके अहम तरीन दफ़ात के हवाले से उसकी सियासी कदर व क़ीमत का सही अंदाज़ा करवाया था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़िमनन फ़र्ज़ियत हिजरत के अहम नुक्ते को उस दस्तावेज़ की रोशनी में समझ लेने का मौका यहाँ है कि रियासत मदीना की असास जिन मुसलमानों पर रखी गई थी, फ़र्ज़ियत हिजरत का एक मकसूद ये था कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत हों। इसमें शक नहीं कि अरब के कबाइली निज़ाम में मुतफर्रिक इक्का दुक्का मुसलमानों का पड़े रहना इस अम्र का मूजिब हो सकता था कि वो थोड़ी बहुत कशमकश करके बिलाखिर जाहिली माशरे में तहलील हो जाएं या जबर तशद्दुद का शिकार हो जाएं। इस वजह से भी एक एक ज़र्रे को समेट लेना ज़रूरी था, लेकिन इसके साथ साथ मदीने की इस्लामी रियासत का इस्तेहकाम भी पूरी अहमियत से उसका मुतकाजी था। बाद में जब ये दोनों ज़रूरतें बाकी न रहीं तो ला हिजरत बाद अल-फतह, फतह के बाद हिजरत नहीं का ऐलान कर दिया। यानी जब सारा अरब दारुल इस्लाम बन गया और मदीने की क़ियादत के ज़ेर नगी आ गया और इस्लाम लाने वालों के लिए किसी इलाके में भी मज़ाहिम फ़िज़ा बाकी न रही तो मदीना हिजरत करके आने की पाबंदी उठा ली गई। इस मुआहदे के मुताबिक मदीने की इस्लामी रियासत वजूद में आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत कायम हुई। 100 मुरबा मील इलाके में जो 5000 की आबादी रखता था, मुसलमानों की दावत हक के लिए बिल्कुल खुला दायरा पहली बार हासिल हुआ, जहां इस्लाम का सियासी इख्तदार भी दावत के काम में अज़ खुद मुमिद मुआविन था। फिर इस इलाके के आसपास जाकर काम करने के लिए भी इस्लामी हुकूमत का वजूद कारकुनों के लिए पुश्तेबा बन गया। मदीना को एक सियासी वाहिदा बनाने और इस्लामी हुकूमत की नींव डालने की कोशिशों के साथ साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के कबाइल को साथ मिलाने की फ़िक्र की। 2-3 बार सहाबा की जमातों को मुहिमात पर भेजा। हिजरत के 12वें महीने यानी सफ़र में फरमारवाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस वदान यानी मदीने से बजानिब मक्का एक कस्बा है उसका रुख किया। यहाँ पहुँच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी हमज़ा या बनी ज़ुमरा बिन बकर बिन अब्द मुनाफ़ से मुआहदा उस्तवार किया। कबीले की जानिब से अम्र बिन फहश अज़ुमरी ने दस्तखत किए। इससे कबल महाजरीन का एक वफ्द उसी जानिब महीस के मकाम तक गया और हलीफाना ताल्लुकात के लिए अच्छी फ़िज़ा पैदा हो गई। और फिर रबीउल अव्वल 2 हिजरी हिजरत के 13वें माह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बव्वात यानी यम्बू के इलाके जुहैना के पहाड़ों में से एक की जानिब तशरीफ़ ले गए। यहाँ की आबादी से भी गुफ्तगुशुनीद कामयाब रही और हलीफाना ताल्लुकात कायम किए गए। फिर जमादिल उखरा में बमकाम ज़ुलआशिरा इलाके यम्बू तशरीफ़ ले गए। वहाँ बनु मदलच और उनके हलीफ कबीला बनु ज़ुमरा से मुआहिदाना रवाबित के लिए गुफ्तगुशुनीद बहुत दिनों से जारी रही, इनसे भी मुआहिदा किया गया। हमारे पेशरों की एक राय यह है कि इन मुआहिदात से ये कबीले और इलाके दर हकीकत मदीने की सियासी वाहिदा का जुज़ बन गए थे और मुतअल्लिका इलाका मदीने की सल्तनत का एक हिस्सा हो गया था। उसकी दलील ये है कि मुआहिदात के बाज़ अहम अज्ज़ा और बाज़ इस्तिलाहात दस्तूरी मुआहदे से मिलती जुलती हैं,
लेकिन अगर बिल्कुल इब्तिदाई दौर के मुतालिक ऐसा ना भी तस्लीम किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाद में जुहैना से हलीफाना ताल्लुकात का इर्तिका इस नहज पर जारी रहा कि लोग दूसरे अरब कबाइल से बहुत पहले इस्लाम में दाखिल हुए। इस कबीले की मुख्तलिफ शाखों से इस्लामी रियासत के मामलात का जो रिकॉर्ड मौजूद है वो उसी की तौसीक करता है। मसलन बनी बनिल जुर्मुस जुहैना की ज़ैली शाख, इस कबीले की एक और शाख, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन सलामती का तहरीरी परवाना अता किया था इस शाख को। बनी शुमख या शख्स जिसको कहा जाता है, ये भी जुहैना की ज़ैली शाख थी। इनको उनका पूरा इलाका बतौर जागीर मुस्तकिल तौर पर तफवीज़ कर दिया। इसी तरह अवसजा बिन हरमला जुहनी को उसके मस्कन जुलमर्रा बजानिब साहिल के करीब जागीर का परवाना अता किया गया। अबू बसीर उनके साथियों के लिए जब मुआहिदा हुदैबिया की वजह से मदीने जाने का मौका ना रहा तो मक्के से हिजरत करके उसी साहिली इलाके में आ गए थे। आयन मुमकिन है कि अजूसा जैसे सरदारों की हिमायत भी उन्हें हासिल रही हो और वो मकामी लोगों के ताल्लुकात ही से कुरैशी काफिलों की मुज़ाहमत करते हों। ताल्लुकात और आगे बढ़े, मेलजोल की वजह से दावत का काम जारी रहा तो इसका नतीजा ये हुआ कि कबाइल बहैसियत मजमूई इस्लाम के आलमबरदार बन गए। उकबा जुहनी की बयात इस्लाम का हाल हमारे सामने है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे आखिर में एक नया परवाने अमन बनी जुर्मुस या बनी अलहरका और अम्र बिन माबद जुहनी के नाम जारी हुआ, जिसमें दो शराइत थी जो मुस्लिम कबाइल पर आयद होती थी, यानी नमाज ज़कात की पाबंदी और खुमस की अदायगी, यानी कि ज़कात का एक पाँचवा हिस्सा। मुखालिफिन इस्लाम से इनकिता कर्ज़ों के सूद का तर्क उनके लिए लाजिम किया गया था। इसके अलावा मदीने में कबीले जुहैना के नाम की मस्जिद भी दौरे नबूवत में बन गई थी। इसे जाहिर होता है कि खासी तादाद में जुहनी लोग इस्लाम में शामिल होकर मदीना आए होंगे। बनु गफ्फार या बनु गफ्फार जिनको कहा जाता है, उन चंद कबाइल में से हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में बहुत पहले इस्लाम कबूल किया। एक कबीला अपने मिसाली नौजवान हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत से मुतासिर हुआ था। जंग बद्र के करीब ज़माने में उस कबीले के लोगों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा किया, जिसके असास इस जुमले पर है कि इन्नहुम मिनल मुस्लिमीन व अलैहिम अलल मुस्लिमीन। हमारी राय में अगरचे उसके एक जुज़ में इस कबीले के गैर मुस्लिम अनासिर का लिहाज रखा गया है, लेकिन फिल हकीकत यह कबीला गोया मदीने की हयात इजतिमाइया का जुज़ बन गया और कोई वजह नहीं कि उसके इलाके को मदीने के ज़ेर नगी ना समझा जाए। बनु ज़ुमरा जिसकी बहुत सी शाखों से एक बनु गफ्फार या बनु गफ्फार की शाख थी, उसी का एक ज़ैली कबीला बनु अब्द बिन आदि भी था, जिसका क़याम हुदूद हरम में था। इस शाख ने कुरैश से मजबूराना ताल्लुक मुसालहत के बावजूद मुस्लिम हुकूमत से दोस्ताना ताल्लुक उस्तवार किए। सिर्फ कुरैश के खिलाफ जंग में शामिल होने से इस्तिस्ना हासिल करके बाकी हर लिहाज से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीफाना राबता जोड़ लिया था। नाज़रीन ग्रामी, ये सारी तफसीलात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी ज़िंदगी जो कि डॉक्टर हमीदुल्ला सिद्दीकी साहब की है, उनका मजमून है आम कबाइल अरब से ताल्लुकात, उसमें सारा कुछ ये बयान किया गया है कि किस तरह कबाइल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीफाना दोस्ताना जो है रवैया रखा था। कबीले फरीना मदीने से सिर्फ 20 मील की दूरी पर फरा की सिमत में बजानिब शिमाल मगरिब बकौल अबू यूसुफ आबाद था। 5 हिजरी में ये कबीला हल्के इस्लाम में शामिल हुआ, लेकिन उनसे हलीफाना ताल्लुकात लाजिमन उनके हमसाया कबीले के साथ ही साथ आगाज पा चुके थे। इस कबीले के एक सरदार बिलाल बिन हारिस को कबीला या कबील की सोने की काने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर जागीर अता की। चुनांचे एक हालिया खुदाई में यहाँ के कब्रिस्तान से जागीर के फरमान का खतबा मिला है। फतह मक्का के बाद सरदार मस्कूर को बहुत सी जरूरी ज़मीन भी बतौर जागीर दी थी। इन बातों से अक्स होता है कि फरमारवाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़्यादा तवज्जो साहिली इलाके के कबाइल पर सर्व की, क्योंकि सियासी जुग्राफिया के लिहाज से ये ख़ास कलीदी मकामात पर काबिज थे। उसी के साथ साथ जागीरों के फरामीन ये ज़ाहिर होते हैं कि इलाका शुरू ही में उन कबाइल के कबूल इस्लाम से कबल हुकूमत मदीना की सरजमीन से सियासी तौर पर मुलहक हो चुका था, यानी मिल चुका था, जुड़ चुका था। इसकी तफसीलात में नाज़रीन गिरामी उसी किताब में है जिसका जिक्र मैंने इस वक्त कहा, डॉक्टर हमीदुल्ला सिद्दीकी साहब का।
तो इन तमाम चीज़ों का मुताला करना चाहिए ताकि हमें एक एक जुज़ और एक एक लम्हा जो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सियासी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, हर एतबार से हमें पूरी की पूरी सियासत की किताबों को खंगालेंगे तो एक एक चीज़ हमें मिलने पढ़ने को मिलेगी और समझने को मिलेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह से जो है एक मदीने को एक इस्लामी मरकज़ बनाने के पीछे किस तरह से जो है पूरी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद की थी और किस किस तरह की जो है हिकमतों को अपनाया था। ये सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन-ए-गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।